हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, एक्सरसाइज 4.2 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थर्ड पार्ट भी आपको कराया है, मैंने फर्स्ट पार्ट भी आपको कराया था और सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह था। ठीक है, आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसका नेम क्या होगा, BEND। ठीक है, जिसमें BN हमें गिवन है और D से लेके E तक, DE उसकी लेंथ भी हमें गिवन है। अब BN यहाँ पर है और N आपका यहाँ पर है, तो B के बाद E को छोड़ दिया तो हमने N पिक किया ना, तो इट मींस BN ये भी डायगनल है और D के बाद उसने E लिया है। ED बोल दीजिए या DE बोल सकते हैं आप, बोथ आर सेम। ठीक है, तो DE भी डायगनल रिप्रेजेंट करेगा और ED जो है वो भी आपका डायगनल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों डायगनल्स की लेंथ आपको दी हुई है रोम्बस के अंदर। अब रोम्बस के अंदर आपको दो डायगनल्स की लेंथ पता है। 4.2 में हमें क्या आता है, अगर हमें थ्री साइड्स की लेंथ पता हो, ठीक है, हमें क्या पता है 4.2 एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा है, अगर हमें थ्री साइड्स की लेंथ पता हो और दो डायगनल्स की लेंथ पता हो तो हम क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस या पैरेललोग्राम जो भी है हम अपना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, जो थर्ड पार्ट है इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है सॉरी उसकी हेल्प से हम अपने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जो रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं ना, रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है, बिल्कुल बीच में से। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको पहले से ही डायग्राम बनाया हुआ है, आपको कंप्लीट समझाया जाएगा ये कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा है BEND, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले आप जो रोम्बस BEND आपको ड्रा करना है, अगर आपको दो डायगनल्स गिवन है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले वो डायगनल ड्रॉ करेंगे जिसके पॉइंट के बाद एक ओड नंबर हो। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, दोनों डायगनल्स में से आप सबसे पहले वो डायगनल ड्रॉ करेंगे जिस डायगनल में पॉइंट के बाद एक ओड नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ओड नंबर यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले DE ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने यही लिखा है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे रोम्बस की, रोम्बस का जो सेकेंड डायगनल है। ठीक है, तो रोम्बस का जो सेकेंड डायगनल है वो फर्स्ट डायगनल को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिक्स क्लास में सीखा हुआ है किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड क्या किया है, सबसे पहले हमने डी से लेके ई तक विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लेंथ ड्रॉ की है जिसकी लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ये जो DE लेंथ है, डी से लेके ई तक जो ये लेंथ है, एक लाइन थी सिंपल, इसका आपने परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे आप, ये जो लेंथ है इसकी हाफ से ज़्यादा कंपास के साथ इसको ओपन करके, ठीक है, क्या करेंगे आप, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ बट यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कैसे किया है हमने। हाफ से ज़्यादा आप ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, सेम काम आप यहाँ पे सेंटर रख के ऐसे एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे। ठीक है, वो जो दो आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये हैं वो पॉइंट, ये पॉइंट और एक है ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट, फिर आप इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वो जो लाइन आएगी वो लाइन इस DE लाइन को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। इट मींस जो हमारा सेकंड डायगनल है, एक डायगनल तो हमने ड्रॉ कर लिया है DE तो डायगनल हमने ड्रॉ कर लिया, अब एक डायगनल बचता है BN। अब B और N जो है वो इसी लाइन के ऊपर आएंगे कहीं ना कहीं पर। अब वो कहाँ पर आएंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, जो सेकंड डायगनल है हमारा 5.6 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है उसका आप हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब बिल्कुल बीच में से कट करेंगे, जैसे एक डायगनल है ये BN और एक ये डायगनल है DE, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ है वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो सेकंड डायगनल है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 5.6 सेंटीमीटर।
तो 5.6 का हाफ यहाँ होगा और 5.6 का हाफ यहाँ होगा, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन में 5.6 सेंटीमीटर का स्टार्टिंग में ही हाफ कर लिया था। और 5.6 सेंटीमीटर का हाफ कितना आया था, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर रख के विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे सेंटर रख के 2.8 सेंटीमीटर लेंथ विद स्केल की हेल्प से आप मेजर कर लेंगे बेटे, ठीक है। इसको कितना ओपन करना आपने, 2.8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से सेंटर रख के एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे, ये जो गोल वाली आर्क आप देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे, ठीक है। वो आर्क्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यहाँ पर, ठीक है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, और एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रही हैं, ठीक है। तो यही हमारे पॉइंट बी और एन होंगे। बी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बी और एन लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन है बेटे, आपके आपके पास इसकी पिक भी सेंड कर दी जाएगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा, 4.2 अपनी कंप्लीट कर लें। अगर कोई डाउट है पर्सनली मेरे पास मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू।